10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है और जो वसूली हो रही है ये भी गलत है जी। नोटिस जारी कर दिया, क्या नोटिस जारी किया इनके खिलाफ? ये जो डीएनडी का जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है, सन 97 में इसका जो एग्रीमेंट हुआ था नहर विभाग से या जो कंस्ट्रक्शन कंपनी से हुआ है, वो यहाँ के ऑर्डर के अगेंस्ट में है। जो आदेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है, उस आदेश के विरुद्ध है, क्योंकि उसके अंदर हिंचलाल तिवारी का जो केस था, उस तिवारी के केस के अंदर ये आदेश किया था माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि वहाँ इस जगह पर 1-7-1952 में जो स्थिति थी वही स्थिति इसके अंदर बहाल की जाए, इसके अंदर कोई परिवर्तन न किया जाए। परंतु ये जो आज जो कंस्ट्रक्शन हुआ है या जो ब्रिज चल रहा है ये सन 97 से है, वो सन 52 के और उसके परिस्थिति के बिल्कुल उल्टा है। और यहाँ पर जो कलेक्शन किया जा रहा है वो भी इनको कोई राइट नहीं है कलेक्शन करने का, क्योंकि ऐसा कलेक्ट होकर के गवर्नमेंट रेवेन्यू के अंदर जाना चाहिए, ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहिए। हमारा जो निवेदन ये नहीं है कि उसको खाली इतना कहना है कि इसके अंदर जो भी कलेक्शन हो वो यहाँ पर रिसीवर अपॉइंट किया जाए और रिसीवर अपॉइंट करने के बाद सारा पैसा कोर्ट के आर्डर के हिसाब से कोर्ट की कस्टडी के अंदर या तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा किया जाए या कोर्ट के अंदर जमा किया जाए और कोर्ट अपने रिसीवर के द्वारा कराए, इनके द्वारा नहीं, क्योंकि इनको कोई राइट नहीं सर्वाइव करता है।